नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास नाइन्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत अधिक है और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आते रहे, पहले भी आ रखे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्या चीज, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी। हमने ये चीज लिख लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं आप इधर रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन, इसको कर लेना है आपको रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये नीचे से रूट हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, हटाने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो क्या करना पड़ सकता है, इस जो नीचे दिख रहा होता है उसमें जो साइन होता है उस साइन को चेंज करके सेम नंबर से सेम डिजिट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन और यहां पर रूट थ्री प्लस वन से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी और ये रूट थ्री। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री प्लस वन, तो ये हो जा रहा है हमारे पास रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर और नीचे हो जा रहा है, नीचे ध्यान से देखते हैं तो रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ये रूट थ्री। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो जाएगा, अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर और प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू वन और प्लस वन का स्क्वायर अपॉन में ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा थ्री और माइनस वन, ये हो गया थ्री माइनस वन इक्वल टू इधर हो जाएगा a प्लस बी और ये रूट थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रूट थ्री के ऊपर पावर टू, कहने का मतलब हो गया ये थ्री और प्लस ये हो गया रूट थ्री और प्लस वन और नीचे हो जा रहा है टू इक्वल टू हो गया ए प्लस बी और ये रूट थ्री। अब ये थ्री और ये वन क्या हो जाएगा, फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू ए प्लस बी और ये रूट थ्री, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां से टू कॉमन निकाल लेंगे टू, तो ये हो गया टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। ये टू से टू कैंसिल हो गया तो बच गया टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। अब देखिए अगर इस वाले और इस वाले को मिलाने की कोशिश करते हैं तो क्या आ जा रहा है, ए के जगह पर टू दिख रहा है और बी के जगह पर वन दिख रहा है, तो यहां आ जाएगा ए इक्वल टू टू एंड बी इक्वल टू हो जा रहा है वन और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।